बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको हमारा सलाम पहुँचे। जी, आज का दूसरा सवाल क्या है? सर, ये रबिया खान ने सवाल पूछा है, उसे अपना जिस्म ना दिखाऊं तो रोता है, मिन्नतें करता है, मर जाने की धमकियां देता है। हमारा ताल्लुक सिर्फ 6 माह पुराना है, फेसबुक फ्रेंड्स बने थे, शादी के वादे करता है मगर रिश्ता नहीं भिजवाता। अब तक इसने मेरे घर का पता तक नहीं पूछा। मैं घर कैसे बात करूं? मेरी 2 बहनों के साथ पहले ही धोखा हो चुका है, एक ने तो अपनी जान ले ली थी, दूसरी तलाक लेकर बैठी हुई है। मैं किधर जाऊं, क्या करूं? अब इस सवाल के अंदर कई सवाल छुपे हुए हैं, और अगर आप उसका ये एंगल लेना चाहें कि उनकी बहनों के साथ धोखा हुआ, तो मैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, अव्वलो आखिर इस बात पे स्टैंड लूँगा कि ये धोखा नहीं है, ये हमाकत आपकी अपनी है, गलती आपकी अपनी है, आपका अपना चॉइस है। आप उस गलती और गुनाह में जाते हो कि जिसके बाद फिर आपको उसके नताइज भुगतने पड़ते हैं। यानी आप सोचिए, एक तर्ज़ ज़िंदगी आप इख्तियार करते हो, एक तर्ज़ ज़िंदगी आप चुनते हो, छुपाते हो अपने घर वालों से, ख़ुद अपने आप से भी, और आप दुनिया में पहले नहीं हो। मेरा ख्याल इस मौजू पे कम अज़ कम तीसरी किसी बच्ची के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि जिन्होंने अपने आप का तमाशा बनवाया, एक के साथ हुआ, दूसरी के साथ हुआ, तीसरी के साथ हुआ, तब भी आपको समझ नहीं आता। 6 माह का ताल्लुक़ है और फेसबुक पे ताल्लुक है, ना आपने देखा, तस्वीर ही देखी है ना, ना उसके ख़ानदान को जानते हैं ना उसको, फिर भी आपको अकल नहीं आती। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन योर फैमिली, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड फॉर द मैरिज, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। वो एक लस्ट में है और आप खुद उसके बारे में बता रहे हो, ना वो कोई जॉब करता है, ना कोई काम करता है। आपका क्या ख्याल है, आपके साथ ये फ़ोन बंद करने के बाद और आपके जिस्म को देखने के बाद वो आराम से सो जाता होगा? ऐसे बदबख्तों के लिए ये हॉबी होती है, ये लस्ट होता है, सारी रात पड़ी है। ऐसी बेवकूफ़ लड़कियां जगह जगह उसे मिलती होंगी कि जिनको सिंपल रो के दिखाना है ना, तो आप रोने के नतीजे में अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा यूं सरे बाज़ार लुटाने पे तैयार हो जाते हो, और फिर भी आपको अकल नहीं आती। आप सवाल पूछने आते हो, सवाल पूछना चाहिए, पर सवाल पूछने से पहले इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि खुद आप जो कर रहे हो ये कितना दानिशमंदाना है, कितना अहमकाना है। खुद आपके अपने घर में ये केस एक दफ़ा नहीं हुआ, 2 दफ़ा हुआ, आपकी बड़ी बहन ने ये किया और करने के बाद उसने भुगता। शी वॉज अनएबल टू फेस द सोसाइटी। जब उसकी तस्वीरें फैली जगह जगह, तो उस वक्त उसको फिर शर्म आई, ख़ानदान को भी ज़ाहिर आई होगी, फिर उसने सुसाइड किया। ये बात बहुत पुरानी नहीं है, ये आप ही के मैसेज से मैंने पढ़ा, और उसके बाद आपके ख़ानदान को वो जगह छोड़नी पड़ी, वो इलाका छोड़ना पड़ा। आपके वालदैन, आपके सारे जो बहन भाई थे, दे आर अनएबल टू फेस द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। काबिले फ़ख्र काम किया होता, मुमकिन है वो भी रोता हो, मुमकिन है उसने कोई ख़र्चा भी किया हो, आई डोंट नो, उसकी डिटेल आपने नहीं दी, पर सोचिए तो सही, एक सेम काम, सेम गलती आपकी बड़ी बहन ने की और रिज़ल्ट भुगता, ज़िंदगी से गई, एक हराम मौत मरी, हराम ज़िंदगी जी, हराम मौत मरी। चॉइस किसका था? आप इल्ज़ाम लड़के को देंगे? सॉरी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसने किया भरेगा भी वही। फिर दूसरी बहन ने शादी के बाद ये किया। आप सोचिए कि लोग ये जो कान हैं, अल्लाह माफ़ करे, हमने बचपन में कहीं पढ़ा था कि ज़ुबान भी ज़िना करती है, कान भी ज़िना करते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी के बाद फिर आप फ़ोन पे बैठ के किसी और से इसी लस्ट की बातें करो, इसी गलाजत भरी बातें करो, और उसके बाद वो करो जो नहीं करना चाहिए। रब ने आपको एक पर्दा दिया, एक रिश्ता दिया, एक तहफ़ दिया, लॉयल्टी की शर्त के साथ कि उसके साथ वफ़ादार रहो, और आपने उस वफ़ादारी को बीच चुराहे के ज़ाया कर दिया, तो उसके बाद डिवोर्स नहीं होनी तो क्या होगा? ये बहुत छोटा है, हमारे यहाँ कानूनन कुछ सजा ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। उसकी इस हरकत की वजह से खुद आपकी माँ और बाप को भी तो खुदकुशी करने का दिल में ख्याल आया होगा। क्या ये चीज़ें छुपी रह जाती हैं? आप सोचिए कि 6 माह से, 4 माह से, जब से भी आप इस हरकत में हो, आपका दिल भी जानता है, आप इतनी अहमक और घामड़ नहीं हो सकते कि आपको इल्म ना हो कि वो लड़का कितना होगा, 20-21 साल का, क्या करता होगा। वो ना आपको संभाल सकता है, ना वो घरदारी में जा सकता है। सो अगर इल्ज़ाम बहुत किसी को दिया जा सकता है, तो आप दोनों की लस्ट को दिया जाएगा। ये जो लज्जत है, ये जो गुनाह के अंदर जाने की अब दोनों की कैफियत है, वो इक्वल है। सो उसको ब्लेम मत कीजिए कि वो रोता है। अच्छा, रो पड़े तो क्या लोग अपने कपड़े उतार दिया करें?
को रो पड़े तो क्या लोग अपना सब कुछ असासा उस पर दान कर दिया करें? हम तो ये जानते हैं कि रोना आमतौर पर झूठा होता है, लड़की रोए या लड़का रोए, दोनों अव्वल वखर उस रोने के आंसुओं के अंदर झूठ छुपा हुआ होता है जब आप दूसरे की हमदर्दी के लिए रोते हैं या ज़ोर ज़ोर से, और ये रोना तो आप दोनों के बीच में हो रहा होता है और आप उस रोने को ये इम्पोर्टेंस देते हो कि बजाय इसके उसको एनालिसिस करो, उसके बारे में गौर करो। कोई एक अगर चेकलिस्ट हो, कोई एक चेकलिस्ट में पॉइंट ऐसा नहीं है जो टिक ना होता। वो आपसे वफादार नहीं है, वो आपके साथ लॉयल नहीं है, वो आपका मियाँ नहीं बन सकता, वो आपको ब्याह के लेके जाएगा नहीं, उसने कभी आपके घर वालों का पूछा नहीं, कभी अपने घर वालों से बात की नहीं, आपने मुझसे पूछा मैं अपने घर वालों से कैसे बात करूं। बेटा आपको जो पूछते हुए थोड़ा शर्माना चाहिए, आप अपने घर वालों से बात कर कैसे सकते हो, क्या बात करोगे एक ऐसे बंदे के बारे में? या तो आपके घर वालों ने आपका रिश्ता लेके उसकी तरफ जाना हो फिर आप बात कीजिए, पर ये भी तब करें ना जब वहाँ से आमादगी का आपको संदेशा आया हो, जब आपका आमादगी का पैगाम आया हो, कोई पुराने ज़माने का नाई बिल्कुल वो धागे लेके आया हो कि जी आइए रिश्ता लेके आइए। वहाँ से तो 0% है, अकल नाम की चीज़ कहाँ घास चरने गई हुई है, और सिर्फ आपकी नहीं है, ये इतनी बच्चियाँ हैं, और मैं लिहाज से आपको बच्ची कह रहा हूँ, 18 साल के बाद आप बच्चे नहीं रहते, पर जिन लड़कियों के साथ ये मामला है ऑन रेगुलर बेसिस, उनकी उम्र 18, 28, 38 साल के दरमियान में, ये सोचने का नहीं है, ये दुखी होने का और परेशान होने का। आपकी पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद हो रही है लोगों के रोने की वजह से, क्या चंद लफ्ज़ों की वजह से, या अपने अंदर जो ख्वाहिश है खुद लज़्ज़ती की, गुनाह की, उसको जो ही कहीं से गलत सही रास्ता मिलता है फौरन चल पड़ते हैं, और एंड पे स्वाय रसवाई के, और एंड पे स्वाय अपनी आंखों से नीर बहाने की और कुछ नहीं है। पर एक बात याद रखिएगा, ये जो कुछ आप कर रहे हो, अगर इसको आपने फौरी तौर पे इसी लम्हे स्टॉप ना किया और अल्लाह से इस्तग़फ़ार ना किया, तो इतना मैं जानता हूँ कि जब कोई आदमी, कोई लड़की या लड़का एक गलती करने और गुनाह करने में लज़्ज़त लेने लगे और उसमें बार बार इन्वॉल्व हो, इंडल्ज हो, तो फिर ये उसकी आदत बन जाती है, और जब आदत बन जाती है तो अल्लाह के यहाँ ये गुस्ताखी लिखी जाती है, तो फिर उसकी रसवाई लाजिम हो जाती है। आपके घर में ये रसवाइयाँ 2 दफ़ा पहले आ चुकी हैं, अब आपको बस कर देना चाहिए। जीन्स का प्रॉब्लम है, सोच का प्रॉब्लम है, या माहौल का प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानता, पर जो सिम्टम्स हैं वो तो बिल्कुल ज़ाहिर और बाहर हैं, यही बता रहे हैं। फौरी तौर पर आपको इतनी ही बेचैनी है तो अपने घर वालों से ये बात करें कि आपकी कहीं शादी कर दें, किसी जगह भी ब्याह के चली जाइए, और फिर आखिरी सांस तक उसके साथ लॉयल होइए, उसके साथ जो मर्ज़ी कीजिए, पर ये अपने आप को जो रुसवा करने का अपने हाथों आपने काम शुरू किया हुआ है, किसी रोज़ ये वायरल हो गई तो उसके बाद आपके पास ज़िंदा रहने का कोई जवाब नहीं बचेगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.